हेलो फ्रेंड्स, मिराज फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं परफेक्ट तंदूरी नान तवे पर कैसे बनाएंगे उसी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि तंदूरी नान बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक कप हमने मैदा लिया हुआ है, आधा कप हल्का सा गुनगुना दूध है, 1/3 कप दही, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून सुगर, 1 टीस्पून सूजी, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसे प्रिपरेशन करने में 1.5 घंटे लगे हैं और कुकिंग टाइम 10 मिनट से भी कम है। तो सबसे पहले हम मैदे को छान लेंगे जिससे कि जो भी लम्स हों वो निकल जाए और इसमें अच्छी तरह से एयर आ जाए। अब हम बेटिंग डिरी को तैयार करेंगे, इसे हम साइड में कर देंगे। सबसे पहले हम दही ले लेते हैं और इसे हल्का सा हम चला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये कुकिंग ऑयल जो कि 1 टेबल स्पून है और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बेट इंग्रेडिएंट भी मिक्स हो गया है, इसे साइड में कर देंगे। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट में सारे ड्राई चीज़ें जो शुगर है, साल्ट है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर सभी को मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जिससे कि एक सार हो जाए। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डालेंगे ये हल्का सा जो गुनगुना दूध है उसे मिक्स करेंगे। दूध हमें जितनी ज़रूरत हो हम उतना ही डालेंगे इसमें। और अब हम डाल देंगे ये दही के मिक्सचर को और इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि डो आपका बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है तो आप थोड़ा सा मैदा और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें डो की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा सॉफ्ट होगी जिससे कि लचीलापन आएगा तो ही हमारा नान अच्छा बनेगा। इसमें थोड़ा सा मैदा और हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़े से मैदे के साथ थोड़ा सा हम ऑयल भी डाल देंगे और इस तरह से हमें अच्छे तरह से इसे नीट कर लेना है। थोड़ा सा स्टिकी लगता है लेकिन आप जब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये स्मूथ सा बन जाएगा। और ये देखिए धीरे धीरे हमारा डो रेडी है। और इस तरह से हमारा डो देख सकते हैं कि परफेक्ट बन गया है। अब इसे हम ढक करके किसी गर्म स्थान पे रख देंगे जिससे कि, और इसके लिए हम माइक्रोवेव में रख देंगे, और नहीं है तो आप उसे ढक करके साल वगैरह से ढक करके आप इसे किसी गर्म प्लेस में इस तरह से किनारे में रख दें। और इसे हम तो माइक्रोवेव में रख रहे हैं तो इसे 2 मिनट पहले हम हीट कर लेंगे और फिर हम स्विच को ऑफ कर देंगे। स्विच ऑन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये इस तरह से हम रख देंगे लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए। ये इसकी गर्माहट से जल्दी से हमारा डो सॉफ्ट हो जाएगा। और ये देखिए डो हमारा बिल्कुल से रेडी है। और इसे हम इस तरह से हल्का सा डस्ट करते हुए फिर से हम इसे रोल कर लेंगे और इसे हम डिवाइड कर लेंगे। जितना बड़ा आपको नान बनाना हो उस हिसाब से आप इस तरह से लोई को डिवाइड कर लें और इस राउंड करते हुए फिर हम इसे एक बार 20 मिनट के लिए फिर से हम ढक के रख देंगे। अब की बार हम इसे बाहर ही रखेंगे, माइक्रोवेव में हमें नहीं रखना है।
थोड़ा सा सेट हो जाए। अब हम ढक के 20 मिनट ऐसे ही छोड़ देते हैं बाहर। ये पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब हम बनाएंगे नान। तवे को हम हाई हीट पे गरम करेंगे और इसे लोहे के तवे पे बनाइए तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। नान स्टिक पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। इस तरह से हम इसे हम ओवल शेप में ही बेलेंगे और जितना बड़ा आपका तवा हो उस हिसाब से आप नान को बेलें। ये बार बार सिंक कर जाता है तो थोड़ा पहले जिस साइज में आपको बनाना हो उतना बेल लें, फिर आप इसे रखें। बड़ा बनाना हो तो बड़े तवे लें और छोटा है तो इस तरह के साइज सफिशियंट है। अब इसमें हम ये मंगरेल या ऑनियन सीड्स को इस पर इस तरह से छिड़क देंगे। आप चाहे तो इसी तरह से गार्लिक ब्रेड भी बना सकते हैं और ये कटी हुई हरी धनिया भी हम इस पर इस तरह से हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे जिससे कि ऑनियन सीड इसमें चिपक जाए। और अब हम इसे इस तरह से उल्टा कर देंगे और इस पर हम लगाएंगे पानी। पूरे किनारे किनारे भी हम पानी को लगा देंगे। ये पानी हमारा अच्छी तरह से लग गया है। अब पानी वाली साइड से ही हम इस पर रखेंगे। सीड वाला साइड ऊपर होगा और पानी वाला साइड तवे के साइड पे होगा और इस तरह से इसे हम लगा देंगे और हम उंगलियों के पोरों से इस पर इस तरह से गड्ढा बना देंगे जिससे कि ये इसमें एयर ना बनने पाए। इस तरह से करेंगे तो आपका बिल्कुल टेक्सचर जैसे कि आप होटल में नान खाते हैं तो उसी तरह से आपको ये मिलेगा। अब हम इसे एक मिनट हाई फ्लेम पे रखेंगे। जैसे एक मिनट हो जाए आप इसे तुरंत पलट लें इस तरह से। फिर इसे पहले एक मिनट फिर से इस तरह हाई फ्लेम पे सेकें और एक मिनट के बाद हम इसे फ्लेम को लो कर देंगे क्योंकि हमें नान को क्रिस्पी करना है तो लो फ्लेम पे हम फिर इसे सेकेंगे और इसे घुमा घुमा करके आप इस तरह से सेक लें। ये देख सकते हैं इसके बहुत ही अच्छा सा कलर आया है और बहुत ही ये बिल्कुल जैसे कि आप होटल में खाते हैं ठीक उसी तरह से बहुत ही ये अंदर से सॉफ्ट होगा और ऊपर से ये क्रिस्पी रहेगा। तो इस नान को आप ज़रूर एक बार बनाएं। ये देखिए आपको पीछे से भी बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर है जैसा कि आप खाते आए होंगे। तो अगर आप कि हमारे ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको तवे पर आयल बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए नहीं तो आपका नान बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं।